दोस्तों, पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा है। इसी वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी पूरी तरह से ठप पड़ गई है। फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल्स सबकी शूटिंग रुक चुकी है। ऐसे में लॉकडाउन में घरों में बंद लोगों का मनोरंजन करने के लिए टीवी चैनल्स वाले नई नई तरकीबें ढूंढ रहे हैं और अपने पुराने सीरियल्स को ही दोबारा से टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में रामानंद सागर के पॉपुलर शो रामायण को दोबारा से दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया जा रहा है और जो टीआरपी के मामले में नंबर वन पर आ गया है। दर्शक इस प्रोग्राम को देखकर बहुत उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी दिलचस्प बातें लाए हैं जो शायद ही आप जानते हो। इस शो में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको सीता माता की रियल लाइफ के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे जिन्हें सुनकर आप बहुत बुरी तरह से चौंक जाएंगे। दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अपनी जिंदगी में रियल लाइफ हीरो कैसे मिला। उन्होंने बताया कि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे हस्बैंड हेमंत टोपीवाला के रिलेटिव की हमारी फैमिली में शादी हुई है। मेरी माँ उनकी फैमिली से संतुष्ट थी और ये परिवार एक सभ्य परिवार है। उनकी एक कॉस्मेटिक कंपनी है। कुल मिलाकर वो शादी से पहले एक पब्लिक फिगर थे। मैं उनसे मेरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान कई बार मिल चुकी थी। जब मैं पहले दिन उनसे मिली तो दूसरे दिन मेरा जन्मदिन था और उसी दिन हमारी सगाई हो गई। इस तरह टीवी की सीता के राम की तलाश पूरी हुई। दीपिका और हेमंत की दो बेटियां हैं, निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला। बताया जाता है कि रामायण के राम और सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को लोग असल जिंदगी में भी राम और सीता मानने लगे थे। इसका खुलासा खुद दीपिका ने एक इंटरव्यू में किया था। लोग उनकी तस्वीर रखकर पूजा करते थे और कई बार इवेंट्स में लोग उनके पैर भी छूते थे। लेकिन रामायण सीरियल करने से पहले दोनों ही स्टार्स की स्थिति कुछ दूसरी तरह से थी। हिंदू धार्मिक रामायण पर आधारित इस सीरीज में राम की भूमिका अरुण गोविल, धारावाहिक में सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका को फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में कदम रखने वाली नई एक्ट्रेस आदर्श मानती थी। उनका जन्म 29 अप्रैल 1965 को हुआ था। दीपिका रामायण सीरियल करने से पहले कई फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दीपिका रामायण में काम करने से पहले कई बी ग्रेड फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। उन्होंने भगवान दादा, रात के अंधेरे में, खुदाई, सुन मेरी लैला, चीख, आशा ओभालुभाषा और नांगल जैसी कई फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों में ज्यादातर फिल्में बी ग्रेड ही थीं। फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रही दीपिका ने कई बी ग्रेड फिल्मों में अभिनय किया जिसमें उन्होंने खूब बोल्ड सीन्स भी दिए थे। यहाँ तक कि उन्होंने कई फिल्मों में न्यूड सीन्स भी दिए थे। हालांकि रामायण में सीता का किरदार निभाने के बाद उन्होंने बोल्ड सीन्स करने से तौबा कर ली। दीपिका चिखलिया ने बी ग्रेड फिल्मों में कई बाथटब सीन्स भी दिए थे जिनकी तस्वीरें आजकल खूब वायरल हो रही हैं। रामायण 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक रविवार सुबह 9:30 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता था। दीपिका ने जो बी ग्रेड फिल्मों में बोल्ड सीन्स दिए थे वो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे जितना कि रामायण में उनका सीता वाला रोल पॉपुलर हुआ। और सीता का किरदार निभाने के बाद दीपिका का करियर थम सा गया क्योंकि फिर उनकी छवि धार्मिक सीता माता की बन चुकी थी, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में तो लीड एक्ट्रेस के तौर पर कभी काम नहीं मिला क्योंकि सीता माता को फिल्मी पर्दे पर रोमांस करते देखना दर्शकों को बिल्कुल भी गवारा नहीं होता। इसीलिए कोई भी निर्देशक उन्हें एज अ लीड एक्ट्रेस कास्ट ही नहीं करना चाहता था। दीपिका का कहना है कि रामायण में सीता का रोल करके उनके फिल्मी करियर पर फुल स्टॉप लग गया था, इसीलिए इसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा। खैर दोस्तों, आपको रामायण की सीता माता के बी ग्रेड फिल्मों में किए गए बोल्ड सीन्स के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।